एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज त्योहार है मकर संक्रांति का। हरिद्वार, प्रयागराज और बनारस में मकर संक्रांति का पावन स्नान चल रहा है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। आज से सूर्य उत्तरायण भी हो जा रहा है। प्रयागराज में माघ मेला भी शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, जहां उन्होंने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग चढ़ाया। मकर संक्रांति की क्या रौनक है, ये आप देख रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ। रणवीर, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं भक्त? जी, एक तरफ कड़कड़ाती हुई धूप सर्दी है और दूसरी तरफ आस्था की डुबकी है। आप देखिए, मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूं और यहां पर हज़ारों की संख्या में लोग हैं और जो सुबह से ही यहां पर गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं। तो ये सारे लोग जो आपको सामने शायद धुंधले दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ठंड बहुत है, फॉग है, ये सारे लोग रात से यहाँ मौजूद थे और सुबह से जब से योग बना तब से यहाँ पर स्नान शुरू हुआ है। तो आपको बताएं कि ये जो स्नान है ये बेहद महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है क्योंकि इसी हरिद्वार में 2 महीने बाद कुंभ शुरू होना है और आज ये जो मकर संक्रांति का पर्व उत्सव है इसमें शामिल होने काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आए हैं। लेकिन इस बार जो भीड़ है वो हर बार से काफ़ी कम है और इसकी वजह है कोरोना, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, कई जगह बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है और लोगों में भी एक डर है। तो प्रशासन की भी कोशिश है कि भीड़ को कम किया जाए, इसलिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग 3 डुबकी लगाकर कृपया वापस चले जाएँ और लगातार पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है इसको लेकर के कि लोग बहुत देर तक घाटों पर ना रहें। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके की ठंड है और जिस तरीके का लोगों में भी एक डर है कोविड को लेकर के, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और हरिद्वार तो वो जगह है जहाँ पर गंगा जब गोमुख से निकलकर पहाड़ों के रास्ते आती हैं तो ये पहली जगह है जहाँ पर ज़मीन को छूती हैं। तो इस वजह से इस जगह का जो महत्व है, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से। तो आज ये जो उत्सव है ये शुरू हुआ है और ये जब गंगा आगे बढ़ती जाती है तो गंगा के तट पर, चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो या आगे कहीं भी आप जाइए, लोग इसी तरीके से आस्था में डूबे हुए हैं। तो ये वो पर्व जिसको देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, चाहे उत्तरायण कहिए या फिर पोंगल या अलग अलग नाम से इसको मनाते हैं, लेकिन पूरे देश में आज उत्सव है, त्यौहार है और आज दान पुण्य होगा। तो दान पुण्य करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई मकर संक्रांति। देखिए, सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ नमस्ते भारत में मिलेंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।